आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अव्यवस्थाओं का शिकार ब्राह्मण गांव का सरकारी स्कूल। 1958 में जन सहयोग से बना सरकारी स्कूल जो प्राइमरी स्कूल के नाम से जाना जाता था, सन 2016 में उन्नत होकर हाई स्कूल बना। ग्राम ब्राह्मण गांव तहसील ठीकरी जिला बड़वानी का ये स्कूल आज जर्जर होकर अव्यवस्थाओं का शिकार है। यहाँ पर पुराना स्कूल भवन जगह जगह से ऊपर से गल रहा है, जहाँ बच्चों को बैठने में भारी दिक्कतें हो रही है। पानी गिरने के कारण बच्चे स्कूल भवन में बैठ भी नहीं पा रहे। जर्जर इस प्रकार हो रहा है कि कहीं भी कभी भी ऊपरी छत से मलबा गिर सकता है। ऐसे में बच्चों पर होने वाली जान माल की दुर्घटना का जवाबदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन है? प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते भागते हैं। पुराने भवन के साइड में नवीन भवन बनकर तैयार है, लेकिन लापरवाह प्रशासन का शिकार हो गया, जहाँ पर उस भवन में लोग शराब पीना, गुटखा खाने और पेशाब करने का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जिम्मेदारों ने इसका कोई पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया। वर्तमान में इस विद्यालय में 220 बच्चे एक से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ते हैं। पुराने विद्यालय भवन में 2 प्राइमरी कक्षा के कमरे और 4 मिडिल कक्षा के कमरे हैं। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के सामने खेल मैदान है, जहां पर जरा सी बारिश होने पर पानी का तालाब जैसा हो जाता है, उसे भी ठीक करने की मांग की गई। वहीं स्कूल भवन की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले यहां पर स्कूल की सुरक्षा दीवार थी, जिसे भूतपूर्व पंचायत ने तोड़ दिया और उसे बदहाल अवस्था में छोड़ दिया। प्रशासन ने स्कूल को अतिशीघ्र नवीन भवन में शिफ्ट कर विद्यालय प्रांगण को सुव्यवस्थित बनाए जाने की जिला कलेक्टर महोदय से मांग की। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। सर आपका नाम? रमेश चौहान है, मैं यूबीटी हूँ, यहाँ शिक्षक हूँ। सर स्कूल में क्या परेशानी है? हमारे स्कूल में तो आप देख ही रहे हो कि बरसात में थोड़ा भी पानी गिरता है तो पूरी स्कूल चिपकती है। सन 58 का भवन बना हुआ है साहब ये, और इसको सरकार ने हाई स्कूल 2016 से प्रोन्नत कर दी है, लेकिन भवन नहीं बनाया है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने इसको वैसे भी डिजाल कर दिया है, उपयोगी नहीं है, लेकिन हम मजबूरी में अपनी रिक्शा पर बच्चों को बिठाए कहाँ, और थोड़ा भी पानी बरसात होने लगती तो बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं कैसे बच्चों का भविष्य जो है उसको, हमें भी इनकी चिंता है। चिंता क्या होगा, जो शासन ने मिडिल भवन जो बनाया है नया, वो उसका भी अधूरा कार्य है, वो पंचायत ने निर्माण करवाया, उसमें दरवाजे खिड़की नहीं लगे, 2 साल से हो गए। कई बार हमारे अधिकारी को भी लिखा है, अधिकारी भी आते हैं, हमारे बीओ साहब भी 2 बार आए थे, उन्होंने पंचायत को बुलाया, सरपंच को बुलाया, वो बोल देते कि हम 2 रोज 4 रोज 8 रोज में दरवाजे लगा देंगे, जिसको भी 2 साल हो गए। क्या नाम है आपका? दिलीप राठौर। कहाँ रहते हो? ब्राह्मण गाँव। सर स्कूल को लेकर क्या समस्या है? समस्या है, पानी गिरता है तो बच्चों के ऊपर पानी टपकता है, यहाँ ग्राउंड में गड्ढा है, पानी भरा जाता है, बच्चे पढ़ने में उनको तकलीफ आती है। यहाँ पुराना खेल ग्राउंड था, पंचायत ने तुड़वा दिया, कुछ बनाया नहीं, कर्मचारी अधिकारी कोई हमारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारे बच्चों पर ध्यान दे, शिवराज मामा हमारे बच्चों पर ध्यान दे। ये स्कूल की बाउंड्री पुरानी बनी हुई थी, ग्रामीणों ने बताया, ग्रामीणों ने ये पुरानी बंधी हुई थी, उसको तोड़ दिया, बनी हुई थी इनके द्वारा बनी हुई थी, फिर इन्होंने तोड़ दी और उसके बाद में बने ही नहीं, स्कूल में गड्ढा हो गया, पानी घुसा हुआ है, देख लो बच्चे को जाने आने में तकलीफ होती है, और आपके स्कूल में जो बैठते हैं बच्चे वहाँ पानी टपक रहा है, कभी भी दीवार गिर सकती है, बच्चे मर सकते हैं। अमित जोशी। सर स्कूल को लेकर क्या समस्या है? सर यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो पानी का डबरा बनाता है, और बच्चों को स्कूल में जाने के लिए समस्या होती है। स्कूल की बाउंड्री भी नहीं है ये, क्या या स्कूल की बाउंड्री भी नहीं है और ये कुछ नहीं है। स्कूल भवन में बच्चे बता रहे लीकेज हो रहा है? हाँ, बारिश के कारण लीकेज हो रहा है, कुछ दिन पहले इसकी शिकायत भी करी हुई थी। और ग्रामीणों ने ये भी कुछ बताया कि पुराना भवन भी बना हुआ था स्कूल का, पुराना भवन बना हुआ था, नया निर्माण हुआ है, पुराना सामान भी गायब हो गया बोल रहे हैं, सही बात है क्या? हो सकता है।